हेलो माय ग्लैम गेम फैमिली। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चाउमीन की रेसिपी। सो इस तरह से अगर आप चाउमीन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है मार्केट वाला टेस्ट आएगा चाउमीन का। सो सबसे पहले आपको इसके लिए एक कैबेज लेना है, एक कैप्सिकम लेनी है, एक अनियन लेना है। बहुत ही ईजी है इसे घर पर ही बनाना। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैंने यहाँ पे ले लिए नूडल्स, जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और जो ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैंने ली है, इसको आपको जो है कट कर लेना है। और इसमें जो सॉसेस और यूज़ होते हैं वो है सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस एंड विनेगर, ये जो है इसके अंदर यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक वॉक, और इसमें जितने नूडल्स आप बनाने वाले हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है आप इसके अंदर पानी को बॉईल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 7 to 8 cups जो है पानी बॉईल करा है। जब पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाए उसके बाद हमें इसमें जो है हमारे नूडल्स को डिप कर देना है। सो नूडल्स जो है अच्छे से डिप होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने सारे नूडल्स को बहुत अच्छे से इसके अंदर डिप कर दिया है। और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये जो है आपस में स्टिक ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे तो आपस में बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाएगी और हम इसे अच्छे से जो है बना नहीं पाएंगे। सो मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। और अब मैं 3 tablespoons जो इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसको मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर बॉयल होने के लिए। जब तक हमारे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं हम यहाँ पे कट कर रहे हैं वेजिटेबल्स को। सो सबसे पहले मैंने कैबेज को जो है कट कर लिया, और बिल्कुल इसके जो स्लाइस है बिल्कुल एकदम थिन जो है आपको स्लाइस इसके कट करने हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने अनियन को भी सेम चॉप कर लिया है, और जो कैप्सिकम है उसको भी चॉप कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं नूडल्स जो हैं अच्छे से बॉयल हो गए हैं। सो मैंने इसे 2-3 water से पहले वॉश कर लिया है, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो आपको इसको अच्छे से 2-3 water से जो है वॉश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी स्टिकीनेस नहीं रहे। फिर से सेम वॉक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट इसके अंदर डालेंगे अनियन, और अनियन को अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। अनियन जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, और बिल्कुल लो फ्लेम में जो है हम इसको और अनियन को साथ में पकाएंगे। और एंड में हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज, और तीनों को अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तीनों वेजिटेबल्स जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स जो कि हमने बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया था। और नूडल्स ऐड करने के बाद हमने इसमें डाला है विनेगर। आप टेस्ट अकॉर्डिंग विनेगर इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2-3 tablespoons डाला है विनेगर। नेक्स्ट मैंने डाला है 2 tablespoons सोया सॉस। उसके बाद मैंने डाला है रेड चिली सॉस, एंड देन लास्ट में ग्रीन चिली सॉस डाला है। फिर इसको आपस में मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट आप जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने सारे सॉसेस को अच्छे से जो है आपस में मिक्स कर लिया है। और आप इसमें चाहें तो मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैगी मसाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जो है मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वान्टिटी में मैंने ब्लैक पेपर पाउडर जो है इसके अंदर डाला है। एंड लास्ट में मैंने इसमें ऐड करा है रेड सॉस, और इन सबको मैंने आपस में मिक्स कर लिया है। और हमारे जो नूडल्स हैं वो बनकर रेडी हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही टेस्टी बने होंगे आपके भी नूडल्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।